नमस्कार, तो आप देख रहे हैं आरआरके न्यूज चैनल। फूड प्लाजा में हुई हत्या के 5 आरोपियों को जीआरपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटनी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 में बने फूड प्लाजा में 5 फरवरी को रात 12 बजे 7 से 8 लोग चाकू, तलवार और डंडे लेकर फूड प्लाजा में उत्पात मचाया था। वेंडरों के साथ किसी पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक वेंडर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी एवं 3 वेंडर जो घायल अवस्था में जिला अस्पताल में इलाजरत हैं। आपको बता दें कि 18 घंटों में जीआरपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पतासाजी कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के ऊपर धारा 294, 307, 302, 147, 148, 149, 452 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। व्हाइट आर के पटेल, जीआरपी थाना प्रभारी, कटनी। संवाददाता प्रवीण कुमार पाराशर। 5/2/22 को रात्रि में करीब 0:10 बजे रेलवे स्टेशन कटनी के फूड प्लाजा कैंटीन में दो पक्षों द्वारा लड़ाई झगड़ा कर पुराने विवाद को लेकर चाकूबाजी घटना की गई थी, जिसमें 4 व्यक्तियों को चाकू लगी थी। 1 व्यक्ति एक्सपायर हो गया था और 3 व्यक्ति अभी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मरने वाले व्यक्ति का नाम है दीपू उर्फ दीपक उर्फ दिलीप और ये कानपुर का रहने वाला है, जिसका कल पंचनामा कार्रवाई पश्चात PM कराया गया है तथा डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। मामले में जो दूसरा पक्ष था मारने वाला, उनको 18 घंटे के अंदर जीआरपी पुलिस ने पकड़ लिया है। उसमें 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध धारा 294, 307, 302, 147, 148, 149, 452 IPC के तहत कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पुराने रिकॉर्ड आरोपियों के लिए गए हैं, तो जो आशीष तिवारी है वह सातर अपराधी है। इसके पिताजी की भी निगरानी खुली है, हिस्ट्री शीटर है, इसका बाबा भी हिस्ट्री शीटर था। जात का एक कुछ बंदिया है, लिखता लेकिन तिवारी है। ये तीन गोड़ी मोहल्ला के हैं और